हेलो जी, मेरा नाम गौस है और मैं कंटेंट क्रिएटर स्लैश व्लॉगर हूँ। अब ज़्यादातर जो मेरे व्लॉग्स होते हैं इट्स अबाउट माई सेल्फ, बट टुडे व्लॉग इज़ अबाउट लिविंग ऑन $1 फॉर अ डे। मतलब समझ नहीं आई ना, वेट करो मैं समझाता हूँ। समझ नहीं आई ना, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। तो सीन ये कि लिविंग ऑन $1 फॉर अ डे, मतलब 24 आवर्स के लिए जस्ट $1। अब $1 को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तान करेंसी, सो इट्स अबाउट लाइक 160 रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी। इसी तरह जो हमारा सुबह का नाश्ता था वो स्टार्ट हुआ नान चनों, देसी ट्रेडिशनल नान चनों से। तो इफ़ यू आर लाहौरी तो यार सीधी सी बात है आप व्लॉग देखें आगे। अगर आप लाहौरी हो और ऊपर से नान चनों का नाश्ता नहीं किया तो मेरा पुत्र तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू छुट्टी कर, तू लाहौरी है गई नहीं। तो यार इस वक्त नाश्ता आ गया है और तकरीबन ये 30 के चने हैं, 10 का रहता है और 2 नान है। चने बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, मतलब सबसे मज़े की जो गेम होती है वो इनकी ये होती है कि जो तड़ी है वो आप कम डलवाओ और चनों का जो मसाला है ना वो आप जहाँ मर्जी से खा लो। मतलब मुझे 5 से 6 साल हो गए लेकिन जो इसका टेस्ट है वो सेम का सेम है। अच्छा, तो यार अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो, नान चने पड़े हुए और साथ चाय ना है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। और चाय भी हमारी इस वक्त आ गई हुई और हम चाय भी पीने लगे हैं और साथ नाश्ते का इस वक्त जो मज़ा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मौसम इतना हैवी हुआ हुआ है, बारिश हो रही है और गरम गरम तंदूर से जब नान आ रही हूँ तो क्या ही बात है। सबसे बड़ी बात कि जस्ट नान चने मैंने पेट भर के खाए इन जस्ट 70 रुपीज़ में। तो जी हमने इस वक्त जो अपना नाश्ता था वो कर लिया और टोटल मेरे लगे हैं जी चाय था, 30 रुपये के चने और 2 नान, जो टोटल 70 रुपीज़ बने। और इस वक्त जो है मौसम बहुत ज़्यादा फिट हुआ हुआ है और जिसे पंजाबी में कहते हैं ना जी फुल रज के खा लेते हैं 80, तो 70 रुपीज़ में वो वाला सीन हुआ है और बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिए, मज़ा आ गया कि अब शाम तक देर से भूख लगेगी। तो इसी तरह मैंने अपना नाश्ता कर लिया कंप्लीट, देन मैं आ गया घर। अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो मैं इसलिए जल्दी से व्लॉग कर नहीं पाया, तो मैंने कैमरा रख लिया अंदर और मैं जल्दी से आ गया घर। उस वक्त से मैं व्लॉगिंग करने गया, उस वक्त से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ लेकिन ये जो बाइक है ना इसकी आवाज़ ही नहीं ख़त्म हो रही। अच्छा, तो यार अब सीन ये कि बी ब्लॉक में जाने लगा हूँ फुटबॉल खेलने के लिए। आपको पहले मैंने कभी ये जगह व्लॉग्स के अंदर नहीं दिखाई लेकिन आज मैं लेके चलता हूँ, मैंने कहा फुटबॉल खेलेंगे ताकि और जो पेट में ना जगह बन जाएगी मेरे और फिर हम ज़रा शाम को कुछ खा लेंगे। तो जो आज का हमारा चैलेंज है कि हमने 160 रुपीज़ में जो कि $1 बनता है उसमें खाना, जिसमें से अभी तक हमने 70 रुपीज़ स्पेंड कर दिए हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास रह गए पीछे 90 रुपीज़, तो जिसमें हमने शाम का खाना करना है और रात का खाना करना है। तो फिर हम चलते हैं और पहले फुटबॉल खेलेंगे फिर आगे का सीन देखते हैं। बी सेक्टर पार्क, जो मैंने कहा था मैं फुटबॉल खेल ले और पीछे टिटू पार्टियां लग रही है लड़कों की। टिटू पार्टियां ला रहे हो तुसी? यार आज कोई लड़के ज़्यादा नहीं है तो हम ये छोटे से पोज लगा के 3-a-side गेम कर रहे हैं, फुटबॉल खेलेंगे। और क्योंकि मुझे ये है कि अगर सुबह का मैंने नाश्ता किया था बड़ा हैवी किस्म का
तो फुटबॉल खेलेंगे तो थोड़ी जगह बन जाएगी और शाम को हम फिर अच्छा कुछ खा लेंगे। अब बारी आती है लंच की। अब हमारे टोटल 160 में से 70 रुपीज माइनस किए तो पीछे बचते हैं अराउंड 90 रुपीज। अब 90 रुपीज का अंडर रह के हमने लंच करना था और रात का डिनर करना था, तो इस तरह का करना था ताकि हमारा पेट भी भर जाता। तो अब सीन ये हुआ कि 90 रुपीज थे तो मैंने कहा क्यों ना हम जाएं स्पेशल आलू वाले समोसे खाने। तो यार मैं इस वक्त आ गया हूँ ये समोसे खाने 20 सेक्टर के मार्केट में। बात ये कि जो समोसे हैं वही हम इस वक्त खा सकते हैं, लाइक 25 रुपीज़ का एक समोसा है, तो अगर हम दो समोसे खाएं और हमारा पेट भी भर जाएगा तो ये 50 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 50 रुपीज़ को अगर हम 70 में ऐड करेंगे तो ये टोटल बनते हैं 120 रुपीज़। तो हमारा जो बजट है वो 160 रुपीज़ का, जो $1 बनता है। तो इस तरह हम समोसे भी खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पर जगह तो नहीं है बैठ के खाने की, तो हम इनको लेके जाएंगे घर और घर जाके खाते हैं समोसे। हमारे समोसे जो के आए हैं, लाइक दो समोसे हैं 50 रुपीज़ के, और मैंने चाय घर से पकड़ ली क्योंकि ऐसे सादे समोसे अब खाए हुए अच्छे तो नहीं लगते ना। पहले मैं समोसे खा लूँ क्योंकि गरम गरम चाय भी और समोसे भी हैं, क्योंकि खाने में ना देर नहीं करनी चाहिए वरना बड़े कहते हैं ना शैतान खा जाता है, तो शैतान खा रहे इससे पहले मैं खा लूँ। तो मैंने फिर जैसे लंच किया, देन उसके बाद मुझे करवानी थी कटिंग और बियर्ड ट्रिमिंग करवानी थी, क्योंकि जो बियर्ड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बाल जो थे मेरे अजीब से हो गए थे। तो मैं उसके बाद चला गया जी कटिंग करवाने बार्बर के पास। मैं आ गया हूँ ये कटिंग वगैरह करवाने, और ऊपर से ये बाल वगैरह सारे कितने ज़्यादा रफ हो गए, तो ज़रा इनको नीटनेस की ज़रूरत थी। और यहाँ पर ये स्क्रीन 11 में ही है 20 सेक्टर के अंदर बार्बर्स के नाम से, तो हम इनसे कटिंग करवाते हैं और फिर देखते हैं किस तरह की हमारी लुक लगती है। तो ये मेरे साथ भाई हैं सनी भाई, इनको मैं जरा आपको भी दिखाता हूँ किस तरह की कटिंग और बियर्ड का मैंने कहा है, तो हो जाएंगे इस तरह के सेम हो जाएंगे, उस तरह सेम हो जाएंगे, कह रहे सेम टू सेम हो जाएंगे। तो हम इनसे कटिंग करवाते हैं और सीन देखते हैं फिर किस तरह के रखते हैं हमारी लुक। चेक करो अभी कटिंग करवाई है भाई ने, अच्छी की है बहुत ज़्यादा, सेम एग्जैक्टली जैसे कहा था, बियर्ड भी और ऊपर से हेयर स्टाइल भी। थम्स अप फॉर द कटिंग एंड द बियर्ड। अच्छा तो अब तो मेरी कटिंग हो गई थी, देन मैं अब रात के डिनर का वक्त था। अच्छा जी, तो यार इस वक्त मैं स्टोर पे आ गया हूँ, और क्योंकि अब बात ऐसी क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया था नाचनों का और शाम को खाया मैंने फिर बाहर से समोसे, तो मैंने कहा जी भाई पेट जो था हमारा ख़राब ना हो जाए इसलिए और मैं स्टोर पे आया हूँ कुछ लेने। और दूसरी बात कि सिर्फ अब हमारे पास रह गए 40 रुपीज़, अब हमने लेना है 40 रुपीज़ के अंदर कुछ। तो मेरे पास एक आइडिया है कि जो ब्रेड है ना वो 4 स्लाइसेस वाली मिलती है ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ की, और जो एक अंडा है ना वो मिलता है 10 रुपये का। तो हम इसको घर जाके बना के खा भी सकते हैं, होममेड भी हो जाएगा और पेट भी ख़राब नहीं होगा, पेट भी हमारा भर जाएगा। तो फिर मैं स्टोर पे आया हूँ, यहाँ से लेते हैं और जाके फिर हम अपना आज का जो चैलेंज है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा तो यार अब बात ऐसी है कि इस वक्त हो गया है रात के खाने का टाइम जो कि 8 से 9 बज गया, और मैं तो फुल टाइम थक चुका हूँ, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ किचन में और अपने लिए बनाऊँ और चैलेंज को कंप्लीट करूँ। लेकिन इसका हल है, मेरी छोटी बहन है उससे मैं जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली कैन यू मेक इट फॉर मी, ताकि हम जो है अपना चैलेंज कंप्लीट कर लें। जन्नत तुम क्या मुझे एग रोल बना दोगी? Yeah, sure, why not? कैसे लग रहा है? Why you love Ghost Vlogs? Because he is my brother. So what about his vlogs? What? Do you like his vlogs? Do you love his vlogs? Yeah. Kya? Okay, let's start making. दोबारा से? Okay, let's start making. लेकिन हम इस तरह थोड़ी ना खाएंगे, cinematic shots तो होने चाहिए।
फाइनली जी हमारा जो एग रोल है वो तैयार हो गया। इससे पूछते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है ताकि आप लोग भी घर में इजीली बना सकें। कुछ कहना बताओ इन लोगों को। पहले आपने ओवन एग लेना, उसके अंदर आपने रेड पेपर एंड सॉल्ट डालना, उसके बाद वी हैव टू मिक्स इट एंड पुट ऑन द पैन एंड आपने हाफ हाफ अनफ्राइड रखना, हाफ फ्राई करना और एंड देन वी हैव टू टेक ब्रेड एंड पुट ऑन द एग एंड व्हेन इंग्लिश खत्म हो गई। उर्दू में बताओ, चलो उर्दू में बताओ। जब वो पक जाएगा उसको आपने डाल लेना एंड देन वी हैव टू पुट सम बारबेक्यू सॉस। अच्छा फिर एंड देन कट सम अनियन एंड फ्राई ऑन इन जी। दिस इज़ आर व्लॉग और जो मेरे एग रोल हैं वो फाइनली तैयार हो गए। जिस तरह हमारा आज का थर्ड मील है ये, तो इस तरह ही जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया था जो कि 70 rupees का हुआ, उसके बाद जो मैंने इवनिंग के अंदर समोसे खाए थे वो आए थे 50 rupees के। अब जो आज का लास्ट मील है ये है जी एग रोल जो कि मेरी बहन ने बनाया है और इसकी कोई कॉस्ट आती है अराउंड यू कैन से 40 rupees, ऑलमोस्ट 40 something अराउंड। तो ये हमारा आज का लास्ट मील है तो हम इसको खाएंगे। तो इसी तरह का हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हो गया कंप्लीट इन जस्ट 160 rupees में, जो कि मेरा चैलेंज था इस व्लॉग का। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग सो गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिलो एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल और लाइक करें जल्दी से और मुझे बताएं इन कमेंट्स कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा ताकि इस तरह के व्लॉग मैं ज़्यादातर बनाता रहूं। और सेकेंडली मैं ज़रा कंसिस्टेंसी से इतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन नाउ आई एम बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी नाउ कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। गौस आउट।